कोटा में लगातार भीषण गर्मी का असर देखने को मिल रहा है और ऐसे में तापमान 48 डिग्री से भी पार हो चुका है। हीट वेव के कारण कई लोग बीमार हो रहे हैं। ऐसे में आमजन को राहत प्रदान करने के लिए जगह जगह शीतल जल और शरबत के काउंटर लगाए जा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की प्रेरणा से टीम पंकज मेहता द्वारा बुधवार को रामपुरा कोतवाली थाने के सामने शीतल जल के लिए प्याऊ का शुभारंभ भाजपा नेता पंकज मेहता के नेतृत्व में किया गया। भीषण गर्मी है और गर्मी में आम जन को शुद्ध पेयजल की सख्त आवश्यकता है। राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है पेयजल के अभाव में। इस समस्या को समझा माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने, उन्होंने पहल की। उनकी पहल पर ही हमारे साथियों द्वारा आज रामकोटा शहर के प्रमुख बाजार रामपुरा में एक शुद्ध पेयजल की प्याऊ का शुभारंभ किया है और आने जाने वाले सभी लोगों को शीतल पेयजल उपलब्ध कराया है। इसके लिए टीम के सभी सदस्यों को बहुत बहुत साधुवाद। टीम पंकज मेहता सदस्य ललित चित्तौड़ा ने बताया कि प्याऊ का शुभारंभ उपभोक्ता होलसेल भंडार के अध्यक्ष हरिकृष्ण बिरला द्वारा एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता पंकज मेहता द्वारा शहर में अलग अलग स्थानों पर किया जा रहा है। ललित चित्तौड़ा ने बताया कि यहां पर प्रतिदिन कैंपर का ठंडा पानी आम जन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। दुकानदारों को भी यहां शीतल जल के लिए व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन यहां शीतल जल उपलब्ध होगा। हमारे सम्मानीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी की पहल पर शहर भर में आमजन हेतु ठंडे शीतल जल की प्याऊ की शुभारंभ आज किया है। हमारे टीम पंकज मेहता जी की तरफ से इसका उद्घाटन हमारे माननीय आदरणीय भाई साहब श्रीमान पंकज जी मेहता द्वारा किया गया है। हमारे पंकज जी भाई साहब के प्रेरणा से उनका आदेश है कि भाई कोटा शहर में प्रमुख चौराहों पर शीतल जल की व्यवस्था कराई जाए। हमारे टीम पंकज मेहता की तरफ से आज रामपुरा कोतवाली के सामने हमने ठंडे पानी की व्यवस्था करी है। हम 4-5 जगह और चौराहों पर ठंडे पानी की व्यवस्था करवाने की प्रयास करेंगे और सभी सामाजिक संस्थाओं से निवेदन है कि शहर भर में ठंडे पानी की व्यवस्थाएँ, छाया की व्यवस्थाएँ, शीतल पेय पदार्थों की व्यवस्थाएँ अगर सब लोग कराएंगे तो हमारे कोटा की जनता को राहत मिलेगी। जब हमारे आदरणीय पंकज जी मेहता के निर्देश दिया कि भीषण गर्मी में कोटा की जनता को किस प्रकार से हम राहत पहुंचा सकते हैं, निश्चित रूप से ये विचार मन में आया कि राहगीरों को शीतल जल की व्यवस्था और शीतल छाया की व्यवस्था करके हम उन्हें निश्चित रूप से एक संबल प्रदान कर सकते हैं, आवागमन के लिए उनको एक ऊर्जा, नई ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। इसी से हमने प्रभावित होकर आज रामपुरा बाजार के अंदर शीतल जल की प्याऊ का उद्घाटन माननीय श्री पंकज जी मेहता के नेतृत्व में करवाया है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के प्रयासों से पंकज जी मेहता भाई साहब ने आज रामपुरा बाजार में एक प्याऊ का उद्घाटन किया है। इस प्याऊ से आमजन को पेयजल, ठंडा पानी पीने को मिलेगा और लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।